नवीन जायसवाल को मैं चुनौती देता हूँ कि जेपीएससी का फुल फॉर्म वो बता दें। आप कल पूछे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने पूछा नहीं। हम आप जिनको आपको जो जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। नहीं आप ये मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे हैं। अरे तो आप बताइए ना, आपको सिविल सर्विस झारखंड सिविल सर्विस जो है बताइए ना, आप बताइए झारखंड सिविल सर्विस का जो है झारखंड सिविल सर्विस जो भी आप उनसे भाजपा से पूछिए। हम बोल रहे हैं आप कल पूछे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने पूछा नहीं। हम आप जिनको आपको जो जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। नहीं आप ये मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे हैं। अरे तो आप बताइए ना, आपको सिविल सर्विस झारखंड सिविल सर्विस जो है बताइए ना, आप बताइए झारखंड सिविल सर्विस का जो है झारखंड सिविल सर्विस जो भी आप उनसे भाजपा से पूछिए। हम बोल रहे हैं चलिए बताइए, आप हमसे नहीं बता पा रहे। नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, नहीं आप हम उनसे आप हम उनसे पूछेंगे। हमको बोले कि नहीं नहीं आप उनसे पूछिए, उसके बाद हमको उत्तर बताइए तब हम बताएंगे उत्तर। जेपीएससी का फुल फॉर्म तो आप ही बता दीजिए उनको। मैं हम तो उनके साथ खड़े हैं भाई, आप उनसे पूछिए उसके बाद हमसे पूछिएगा। हमने हमारे क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं, चलिए बताइए आप हमसे नहीं बता पा रहे। नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, नहीं आप हम उनसे आप हम उनसे पूछेंगे। हमको बोले कि नहीं नहीं आप उनसे पूछिए, उसके बाद हमको उत्तर बताइए तब हम बताएंगे उत्तर। जेपीएससी का फुल फॉर्म तो आप ही बता दीजिए उनको। मैं हम तो उनके साथ खड़े हैं भाई, आप उनसे पूछिए उसके बाद हमसे पूछिएगा। हमने हमारे क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं, चलिए। पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग याद कर ले। आपको क्या सिखा रहे कमीशन के बारे में? आपने क्वेश्चन किया है, आपका ये तरीका ठीक नहीं है। आइए इधर आइए। ये थे इरफान अंसारी, इरफान अंसारी। अब देखिए कि मजेदार बात क्या है कि कल इरफान अंसारी ने ये कहा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी का फुल फॉर्म अगर नवीन जायसवाल बता दे तो हम मान लेंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी 5 सालों तक सत्ता में रही थी, इससे पहले बीजेपी ही झारखंड में सत्ता में थी। रघुवर दास 5 सालों तक सत्ता में रहे थे और ये जो आलिशान आप देख रहे हैं ना, इसमें लगभग 400 कुछ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ये विधानसभा बनाने में, ये बन गया वो 5 साल में। लेकिन जेपीएससी का एक एग्जाम हुआ था उन 5 सालों में और उसके भी रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया था। मेरा ये कहना है कि बीजेपी हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो या कोई दूसरी राजनीतिक दल हो, उनके नेताओं को आपसे बस इतना भर लेना है कि आपके मुद्दों पर राजनीति की रोटी कैसे सेक सके। क्योंकि आपने सुना, जब हमने ये पूछा इरफान अंसारी से, साहब आप ही बता दीजिए जेपीएससी का फुल फॉर्म, तो साहब नहीं बता पाए। क्योंकि इसलिए नहीं बता पाए कि कभी वो जेपीएससी में बैठे ही नहीं, कभी उनको पता ही नहीं है कि एक किसान जब खेत में काम करता है और 3,000 रुपया रांची या दूसरे शहर में रहने वाले अपने बच्चों को भेजता है तो उस 3,000 का क्या मतलब होता है। उसके जो किताब खरीदे जाते हैं, उसकी परीक्षा के फॉर्म जो भरे जाते हैं, जनरल डब्बे में सीट के नीचे पेपर बिछा कर जब छात्र एग्जाम देने जाता है तो वो दर्द क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आंदोलन को आप अपने तरीके से कीजिए, नेताओं को हाईजेक मत करने दीजिए, क्योंकि नेता जो हैं वो हाईजेक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम राज सिंह है और आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी। नमस्कार।